तो गाइस कभी आपने सोचा है माइनक्राफ्ट का ट्रेलर इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों दिखता है? माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिलते हैं, एक्चुअल माइनक्राफ्ट जब आप खेलते हो तब ऐसा ग्राफिक्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। जब आप खेलते हो तो आपको कुछ ऐसा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, लेकिन माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिलता है भाई, इसको देखकर सब लोग दीवाने हो जाते हैं। एंड कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि मोजंग ने खुद के लिए कोई अलग माइनक्राफ्ट बनाया है क्या, जिसका ग्राफिक्स इतना ज्यादा कमाल का है। अगर हाँ तो आप भी भाई बिल्कुल मेरे जैसे हो। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट है इसको हम बिल्कुल ट्रेलर की तरह बना सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो जी हाँ गाइस, आज मैं बिल्कुल वही करने वाला हूँ। जो ट्रेलर जैसा माइनक्राफ्ट ग्राफिक्स में मोजंग इतने दिनों से दिखाता है वो मैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर आज ला कर ही रहूंगा, कि मैं 100% गारंटी देता हूँ। एंड फिर माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यार उस ग्राफिक्स के साथ ये माइनक्राफ्ट दिखता कैसा है। मैं तो यार इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो यार कितना ज्यादा मजा आएगा उस ग्राफिक्स के साथ माइनक्राफ्ट को खेलने में, जिसको इतने दिनों से ट्रेलर में बस देखते आ रहा हूँ। वाओ, तो शुभ काम में देरी कैसे यार। लेकिन उससे पहले हमें सबसे जरूरी काम करना होगा, जिसके बिना ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। जल्दी से भाई वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो फटाफट से चलो कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ। ओके, सो इस कार्यक्रम के लिए जो मैं माइनक्राफ्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ वो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ बेडरॉक एडिशन। अब इसके पीछे का रीजन भाई सिंपल सा ही है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन काफी ज्यादा हल्का है तो हम इसको काफी ज्यादा भारी कर सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर हम ढेर सारे भाई मॉड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं डालने कोई जरूरत है, बिकॉज हमारे बेडरॉक एडिशन के अंदर भाई मिलता ऑफिशियल एनवीडिया का RTX, तो भाई आधा से ज़्यादा काम तो यही कर देगा, तो मुझे भाई ज़्यादा मॉड्स वगैरह डालना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जावा एडिशन यूज़ करता हूँ तो यार मुझे काफ़ी सारे मॉड्स डालने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं जावा एडिशन नहीं यूज़ करने वाला हूँ। सो अभी अगर हम नॉर्मली माइनक्राफ्ट को खोल लें बिना किसी भाई RTX वगैरह के, तो हमारा नॉर्मल माइनक्राफ्ट आपको पता है कैसा दिखता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखता है, बिल्कुल बेसिक सा दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बेसिक सा है। बिल्कुल भाई देख लो, चेंज करने वाला हूँ मैं इसके ग्राफिक्स, तो अभी ही देख लो, बाद में ऐसे ग्राफिक्स आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार बंद कर देते हैं माइनक्राफ्ट को फटाफट से। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ और हमें चलना होगा गाइस MCPDL के ऊपर। अब MCPDL भाई वही वेबसाइट है जहां से हमें भाई अलग अलग टाइप के टेक्सचर पैक मिल सकते हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए और बेडरॉक एडिशन के लिए। और मैं जितने भी भाई टेक्सचर वगैरह यूज करूंगा वो आप पॉकेट एडिशन के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सो यार आप भी भाई मजा ले सकते हो उस ग्राफिक्स का। टेक्सचर पैक सर्च करना है, जिसका भाई बहुत नाम मैंने सुना है, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे वो सजेस्ट किया है, बोला है कि भाई वो ट्रेलर की तरह बिल्कुल दिखता है, तो उसको ट्राई करो। एंड मुझे भी लगता है कि हाँ भाई वो ट्रेलर की तरह दिखता है, सो उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या जाएगा। तो उसका नाम है यार बेयरबॉर्न, तो बेयरबॉर्न पहले हम ट्राई करने वाले हैं। पता नहीं ये बेयरबॉर्न है क्या चीज, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा बिल्कुल, कहाँ गया भाई बेयरबॉर्न, तो यहाँ पे है ही नहीं। एक काम करता हूँ मैं, इधर से पहले बाहर निकलता हूँ एंड उसके बाद मैं सर्च करता हूँ बेयरबॉर्न MCPE सर्च करता हूँ। ऐसे ये बेयरबॉर्न जो है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का टेक्सचर पैक है, ऐसे ये बेडरॉक में भी चल जाता है, दोनों सेम है आपको जैसे कि गाइस पता ही है। तो मैम देख सकते हो ऐसा कुछ बोल तो रहा है, ये दिखने लग जाएगा, दिखते हैं ऐसा दिखेगा क्या, मतलब उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। ओके सो ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है देखने में, हाँ एंड सिटी भी देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है, बट ये कुछ ज़्यादा ट्रेलर जैसा नहीं दिख रहा है। खैर मैं इसको बना दूंगा यार, तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। गाइस तो मैंने डाउनलोड कर लिया यार बेयरबॉर्न, तो अभी भाई फटाफट से डालते हैं, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये मैंने डबल क्लिक किया और ये इंपोर्ट स्टार्टेड हो चुका है, फटाफट से इंपोर्ट हो रहा बस, तो ये तो इंपोर्ट होने लग जाएगा। तो मैं फटाफट से स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ एंड अभी चलते हैं यार इसको फटाफट से। एक मिनट मैं एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ, बिल्कुल न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पर मैं इसको क्रिएटिव कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लोर वगैरह कर पाऊँ, एंड रिसोर्स पैक में चल के यहाँ पर हमारा बेयरबॉर्न टेक्सचर पैक इसको डाल दिया जाए यहाँ पर फटाफट से। ओके सो ये आ चुका है, काफ़ी छोटा सा फाइल है, एंड अब क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड को। तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी खुल जा भाई, देखते हैं क्या होता है। एंड RTX का इफेक्ट भी शायद आना चाहिए, खैर ये RTX इफेक्ट तो नहीं आएगा, ये MCP का है, देखते हैं भाई आना तो चाहिए। एक मिनट कुछ चेंजिंग तो नहीं लग रहा है मुझे, हाँ चेंजिंग तो आई है, चेंजिंग आई ऑफकोर्स आई है चेंजिंग, बट ये कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है यार, मतलब ये कार्टूनी सा लग रहा है गाइस, ये तो नहीं लग रहा यार ट्रेलर जैसा। हाँ ये थोड़ा सा देखकर लग रहा है ट्रेलर जैसा कुछ, बट एक मिनट उधर चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा पेड़ है उधर साइड चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेलर में तो यार हरे हरे चीज़ों को ही दिखाया जाता है, सो हरे हरे चीज़ों के पास चलते हैं फिर पता चलेगा। ओके सो मैं इस विलेज के साइड आ गया हूँ, एंड इस विलेज के साइड आने पर ये ट्रेलर जैसा लग रहा है,
नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा ये ट्रेलर जैसा, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ ग्रास ब्लॉक थोड़ा बहुत लग रहा है एंड नहीं ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक चीज़ की इसमें कमी मुझे लग रही है गाइस, वो क्या है? एक मिनट, आर्टिक्स तो शायद इनेबल ही नहीं है। आर्टिक्स की लाइटिंग कहाँ आ रही है? यहाँ गया मैं नीचे। ओहो हो, आर्टिक्स नहीं है। सो मैं एक ऊपर से आर्टिक्स डालता हूँ, बिकॉज इसके अंदर तो आर्टिक्स नहीं है, ये MCP के लिए है तो इसके अंदर इसलिए आर्टिक्स नहीं है। सो मैं एक वर्ल्ड के अंदर ऊपर से आर्टिक्स डालता हूँ, देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं। शायद कोई ग्लिच भी हो सकता है ऊपर से आर्टिक्स डालने पर, बट ट्राई करने में क्या जाता है। ये रहा हमारा बेयर बोन और उसके ऊपर मैंने डिफाइंड PVR लगा दिया है। सो देखते हैं दोनों कॉम्बिनेशन कैसा होता है। आई होप कोई ग्लिच ना हो, मुझे डर लग रहा है, बिकॉज ये MCP नहीं है भाई, ये बेडरॉक है, तो इसके अंदर ग्लिच वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, खास करके RTX के साथ। तो देखते हैं यार फटाफट स्टार्ट होने दो बस गेम को हमारा। ओके सो गेम तो स्टार्ट हो गया है, बट टेक्स्चर तो यार कुछ चेंज नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। इवन जो हमारा पहले का टेक्स्चर था वो चला गया। सो ये तो नॉर्मल RTX हो गया है। भाई ऐसा क्यों? एक काम करता हूँ, भाई रुको आने दो नीचे, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बेयर बोन को ऊपर रख देता हूँ। हमारा जो बेयर बोन है ना, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ एंड अब स्टार्ट करते हैं, अब शायद वर्क करेगा। पिछले बार बेयर बोन लोड नहीं लिया, इस बार लेना चाहिए। सो लेट्स गो। एक मिनट, ओके सो अब तो बेयर बोन लोड ले चुका है एंड भाई सही लग रहा है यार, काफ़ी हद तक तो ट्रेलर जैसा लगने तो लगा है। ओ हो हो वाओ, ट्रेलर की तरह तो ये लग रहा है गाइस देखने में, जैसे कि आप देख रहे हो। ओ भाई साइड में ट्रेलर भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत कमी है इसके अंदर, मैं अलग कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल यार ट्रेलर टाइप के ग्राफिक्स तो आ रहे हैं देखने में। रुको मैं थोड़े जानवर वगैरह को देखता हूँ। ओके सो जानवर वगैरह के ऊपर की ग्राफिक्स देख सकते हो गाइस, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब यार ये तो ट्रेलर टाइप का लग रहा है ऑब्वियसली, मुझे नहीं लगा था बेयर बोन के अंदर RTX ऑन करने पर ऐसा हो सकता है, बस मैंने उम्मीद लगाया था। बट यार ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट एक काम करते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ किसी ने भाई ऐसा टेक्सचर पैक बनाया है जो कि भाई बिल्कुल ट्रेलर की तरह दिखता हो। सो लेट्स गो गाइस, माइनक्राफ्ट ट्रेलर टाइप ग्राफिक्स, और मैंने ये सर्च कर दिया। ओके सो ये वाली वीडियो का क्या सीन है? एक मिनट, अबे ये ऐड की ऐसी की तैसी। बेडरॉक एडिशन एंड माइनक्राफ्ट जॉब एडिशन। ओके 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 ठीक है सर, ऐसा बन गया क्या? ओहो हो वाह वाह वाह, कोई कर रहा हूँ मैडम, कोई कर रहा हूँ मैडम। क्या नाम है? क्लिक डाउनलोड। तो ये वेंटम RTX, डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हैं, इससे तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है यार, भाई ने बिल्कुल तगड़ा बना दिया, देखकर ही पता चल रहा है। सो अभी हम करते हैं भाई इसको फटाफट से इनेबल, और मैं वही वर्ल्ड रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता चलेगा भाई क्या क्या चेंजिंग आई है। तो भाई बेयर बोन टट्टा बाय बाय, और हमारा डिफाइंड PVR तुमको भी टट्टा बाय बाय। अभी हम डालने वाले हैं अपना बिल्कुल न्यू, बिल्कुल बेस्ट वेंटम RTX ट्रेलर पैक, देखते हैं ये ट्रेलर जैसा हमारे माइनक्राफ्ट को बना सकता है या नहीं। सो गेम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, लोड तो ले लिया। हाँ 1 2 3 लेट्स गो। ओके गेम के अंदर आ गया हूँ मैं एंड वाटर वगैरह भी चेंज हो गया है। वाटर मुझे फर्स्ट नज़र में ही दिख रहा है चेंज हो गया है, वाटर बिल्कुल यार बेसिक सा हो गया है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग सा साइन आ रहा है। ओ एक अलग सा साइन आ रहा है, बिल्कुल ट्रेलर में ये साइन देखने को मिलता है। एक मिनट, ग्रास ब्लॉक तो बिल्कुल बेयर बोन्स के तरह ही है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ये सही लग रहा है देखने में एंड मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं काफ़ी क्लोज पहुंच चुका हूँ माइनक्राफ्ट ट्रेलर की तरफ। एक मिनट, ओ वाओ, ओ गाइस ये देख सकते हो भाई, हमने अचीव कर लिया यार, ट्रेलर वाली ग्राफिक्स को हमने अचीव कर लिया गाइस, बिल्कुल देख सकते हो ट्रेलर वाले ग्राफिक्स में ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में देखो और भाई इधर देखो, बिल्कुल भाई ऐसा ही देखने को मिलता है। ओ भाई साहब हमने फाइनली अचीव कर लिया भाई, यही तो रहता है यार ट्रेलर वाला ग्राफिक्स, भाई काफ़ी सही लगता है यार। भाई मोजंग वाले को यार ये ग्राफिक्स सभी को दे देना चाहिए, अकेले वो क्यों रखते हैं, मतलब सभी को देना चाहिए। यार विलेजर भाई कैसा लग रहा है इधर देखने में? ओ भाई मुँह दिखा दे इधर, हेलो। अबे ये भी साइन मारने लग गया यार गाइस, देख रहे हो ये भी साइन मारने लग गया है भाई। हेलो भाई साहब नाइस। कुछ ब्लॉक्स देखते हैं यार, ब्लॉक्स में क्या क्या चेंजिंग्स आई है। ओके ये डायमंड ब्लॉक क्या ही लग रहा है, वाह ये तो पूरा चमकने लग गया गाइस। ओ हो नाइस भाई, ये तो असली का डायमंड लग रहा है। और भाई और भी कुछ ब्लॉक्स होंगे देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले एमरल्ड लगते हैं एंड वाह क्या लग रहा है,
एमरल्ड क्या ही लग रहा है गाइस देखने में भाई, एमरल्ड क्या ही लग रहा है देखने में। एंड एक मिनट, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ओहो हो, गोल्ड भी काफ़ी सही लग रहा है यार। गोल्ड के ऊपर के रिफ्लेक्शन दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई रियल वाला गोल्ड है। ओ भाई मज़ा आ गया यार ये माइनक्राफ्ट का ग्राफिक्स, और ये साइड के भाई साइन देख रहे हो, ओहो हो क्या ही लग रहा है। ओके गाइस मैं इस केव के अंदर जा रहा हूँ, एंड ये केव अंदर से कितना ज़्यादा भाई भयानक सा लग रहा है देखने में। और ये देख सकते हो यार धूप कैसे आ रही है, ओहो बिल्कुल यार ये तो वही वाली फील आ रही है यार ट्रेलर जैसा। अभी नीचे चल कर टॉर्च वगैरह लगाते हैं, फिर ना पता चलेगा यार कैसा लग रहा है और कैसा नहीं, बिकॉज अंदर में माइनक्राफ्ट के अंदर भी तो लाइट काफ़ी तगड़ी सी आती है ट्रेलर वाली। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया टॉर्च, एंड यहाँ पे भी एक टॉर्च लगा देते हैं। एंड अभी मैं करता हूँ फर्स्ट पर्सन में, एंड अपना फेस देखो यार, मतलब यस यस लाइटिंग वगैरह तो काफ़ी सही आ रही है। वाह कुछ तो भाई अलग हो चुका है, बिल्कुल मस्त लग रहा है यार देखने में। और ये वाटर क्या ही लग रहा है, कमाल का लग रहा है बिल्कुल देखने में, मतलब ट्रेलर टाइप का लग रहा है, रियलिस्टिक तो नहीं बोलेंगे हम इसको, बट हाँ ट्रेलर टाइप का लग रहा है। तो ये भाई बहुत सही लग रहा है देखने में। मुझे जहाँ तक लगा था यार काफ़ी सारे मॉड्स वगैरह डालने पड़ेंगे, बट ये बेडरॉक एडिशन काफ़ी मस्त है यार, मतलब ज़्यादा कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ा। मैंने यार थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया, स्मार्ट वर्क बोलते हैं गाइज, स्मार्ट वर्क किया मैंने, एंड फाइनली मुझे काफ़ी ईजिली मिल गया यार ये ट्रेलर वाला ग्राफिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेलर में तो कुछ ऐसा ही ना मिलता है ग्राफिक्स, सो ऐसा हमें ग्राफिक्स देखने को मिल चुका है काफ़ी भाई ईजिली, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई भाई, नॉर्मली हमें देखने को मिल ही गया। बाकी आप बताओ गाइस आपको कैसा लगा ये ग्राफिक्स, कितना रेटिंग देना चाहोगे यार इसको। मुझे तो यार ये कमाल का बिल्कुल लग रहा है देखने में, जैसे कि आप देख सकते हो शाम का जब टाइम हो रहा है तो बिल्कुल यार ये ट्रेलर टाइप का ही लग रहा है, इसके ग्राफिक्स निकल के आ रहे हैं। जो भाई ब्लॉक्स के ऊपर साइन है वो भी बिल्कुल देखकर ऐसा ही लग रहा है ट्रेलर जैसा है। सो माइनक्राफ्ट का भाई सीक्रेट भाई खुल गया हम सबके सामने, माइनक्राफ्ट भाई इसी को यूज करता होगा शायद, तभी वो ट्रेलर बनाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस क्या आपको ये ग्राफिक्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर चाहिए? हाँ गाइस MCPE के अंदर चाहिए। अगर हाँ तो यार एक काम आपको करना होगा, फिर मैं वो काम आपके लिए कर दूंगा भाई, इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल सेम ग्राफिक्स, बिल्कुल सेम मतलब बिल्कुल सेम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर मैं ला कर दिखा दूंगा। थोड़ी बहुत शायद चेंजिंग रह सकती है, बाकी बिल्कुल सेम लाऊंगा, सही बोल रहा हूँ। तो फटाफट से यार 2000 लाइक्स कंप्लीट कर दो एंड फिर मजे देखो बस। बाकी हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो।